वेलकम बैक टू माय गरिम नेचर गरिमा ब्लॉग। मेरे सब ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है दोस्तों, और हर एक लेडीज इसको यूज़ कर सकती है। और इन दिनों में किसी की रफ स्किन रहती है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ों की तो रफ स्किन रहती है, और किसी की ऑयली रहती है, तो ऑयली वाले ज़्यादा ना यूज़ करें इसे। फिर भी नाइट क्रीम के हिसाब से इसे यूज़ करें। नींबू गुलाब जल ग्लिसरीन से मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, और उसके साथ सूखी गुलाब की पत्तियाँ आपको मैं बता देती हूँ सब क्या क्या सामान लगेगा। लेकिन इसको हम आपको सिर्फ नाइट में ही अप्लाई करके सोना है और दिन में नहीं लगाना है। दिन में आपकी धूप वगैरह बाहर निकलते हैं, धूप से भी आपकी स्किन को ये इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। रात में ही लगाना है, दिन में नहीं लगाना है, और सोते वक्त इसे लगाओ, आपकी स्किन बहुत चमकदार हो जाएगी और आपकी एकदम टाइट स्किन हो जाएगी आपके, और आपका बिल्कुल जो रफ स्किन रहती है वो नहीं रहेगी, क्योंकि इन दिनों में ऐसी हवाएं और धूप वाली हवा रहती है उससे हमारी ड्राई स्किन रहती है। इससे आपको इसके बहुत तरीके आपको बहुत तरीके से ये आपकी बॉडी को स्किन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लगेगा। दोस्तों आपको बता देती हूँ इसमें हमें क्या क्या लेना है। ये ग्लिसरीन है, ये गुलाब जल है, रोज़ वाटर अक्सर यूज़ करती ही हैं महिलाएं। ये लेमन है, लेमन के बहुत फ़ायदे रहते हैं दोस्तों। ये सूखा हुआ रोज़ है, रोज़ पत्तियां हैं ये मैंने सूखा के रख ली थी। ये ड्राई रोज़ है, रोज़ लीव्स। इसके लिए हमें 2 टेबल स्पून हमें ग्लिसरीन लेना है, सिर्फ माप के हमें ग्लिसरीन लेना है। इसमें हमने 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन डाल दी है। और 2 टेबल स्पून ही हमें रोज़ वाटर यूज़ करना है। इसमें भर के रोज़ वाटर आप यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा थिक रहती है दोस्तों, इसलिए हमें अगर 3 टेबल स्पून ले लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमें 3 टेबल स्पून इसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। अब इसे ऐसे मिक्स करना है, इससे ये थोड़ा सा पतला हो जाए। ये बहुत थिक रहती है, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी रोज़ वाटर डालने से देखो दोस्तों ये बहुत ही पतली हो गई है। इसका टेक्सचर देखो बहुत पतला हो चुका है। अब हमने जो लेमन रखा था इसमें ये आधा लेमन इसमें 2 टेबल स्पून। अगर 2 टेबल स्पून आपको नहीं ज़्यादा, किसी को लेमन, किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन ज़्यादा लेमन सूट नहीं कर पाती है, तो आप लेमन नहीं डालना, सिर्फ गुलाब जल और उससे ही आपकी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें लेमन का जूस ले लिया है। ग्लिसरीन और लेमन हमें दोनों बराबर क्वांटिटी में लेना है दोस्तों। अब इसमें हम गुलाब की ये सूखी पत्तियां ली थी इसमें ये मिक्स कर देंगे। दोस्तों धीरे धीरे अगर इसको आप अगर थोड़ा सा आधे घंटा या 1 घंटा रेस्ट के लिए रख दोगे तो ये अपना कलर छोड़ देंगी। ये भी हमारा बिल्कुल पिंक जैसा दिखेगा, हमारा ये बिल्कुल पिंक हो जाएगा। दोस्तों इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। जब नाइट में आप सो उससे पहले इससे मालिश करो, इससे अब ऐसे अप्लाई करना
दोस्तों आप इसको अपने फेस पर भी लगा सकते हैं नाइट में, फेस पर लगाने से इसमें आपकी फेस पर चमक आने लगेगी, क्योंकि लेमन हमारे स्किन के लिए विटामिन सी रहता है लेमन में, तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इससे हमारी लेमन और उससे हमारी स्किन में चमक आने लगती है और हमारी स्किन एकदम टाइट टाइट होने लगती है, जो हमारे स्किन पर जो झुर्रियाँ रहती हैं ना वो आपको नहीं दिखेंगी, इससे आपकी स्किन बहुत टाइट दिखने लगेगी। लेकिन इसको हमेशा हमेशा दोस्तों नाइट में यूज़ करना, दिन में नहीं यूज़ करना है। दोस्तों आपको मेरी ये ग्लिसरीन गुलाब जल और नींबू का ये कैसा लगा, आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प, आपकी स्किन के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको नाइट में ज़रूर अप्लाई करके सोना चाहिए और इससे आपकी स्किन चमकती दमकती रहेगी और एकदम स्किन आपकी टाइट हो जाएगी। इसको दोस्तों फ्रीजर में एक हफ्ते के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप अगर इसका एक बोतल, आपके पास इस तरह की रोज़ वाटर की बोतल आती है उसमें आप इसको उसमें स्टोर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत दिनों तक काम देगी। फिर है ना उसके बाद आप फिर से बना सकते हो, इसे ज़्यादा दिन तक के लिए स्टोर नहीं करना है आपको, सिर्फ एक हफ्ते के लिए बनाकर स्टोर करके रखना है। ये एक हफ्ते में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर ज़्यादा इसका लेमन की वजह से इसका टेक्स्चर बिगड़ जाता है, इसलिए आपको कम दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखना है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय।